बोलिए, कहाँ हो तुम रूबी? हमें बताकर क्यों नहीं गई? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी नहीं। लेकिन ये तो बता दो कि तुम हो कहाँ? सिटी हॉस्पिटल में। हीना की क्या खबर है? वो बच गई। मुबारक हो बाजी। मुबारक किस लिए? तुम्हारे शहर के घर में एक नई खुशी आने वाली है। तुम्हारी सौतेली बेटी भी बच गई और उसका बच्चा भी बच जाएगा। कोई बात नहीं, हिना भी तो मेरी ही बेटी है, भले सौतेली ही सही। हेलो, मैं बोल रही हूं, काम शुरू करने का वक्त आ गया है और अब काम खत्म भी हो जाना चाहिए, समझे? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लड़के की आवाज है। बच्चों के मामले में मेरा तजुर्बा आपसे ज्यादा है। होगा आपका ज्यादा तजुर्बा, लेकिन ये आवाज लड़की की है। लड़के की है। हो जाए शर्त, आप हार जाएंगी। शर्त तो हो जाए, लेकिन हारेंगे आप। मैं जीतूंगा, आप हारेंगी। नहीं, आप हारेंगे, मैं जीतूंगी। तजुर्बा मेरा ज्यादा है। कुछ भी हो सकता है। सर, शिफ्ट बोथ ऑफ देम टू द इंक्यूबेटर प्लीज। यस सर। सर, लेकिन एक बच्चे की हालत काफी नाजुक है। जानता हूं, लेकिन जरा सोचिए, इसके माँ बाप ये सोचकर कितना खुश होंगे कि वो एक के नहीं बल्कि दो बच्चों के नाना नानी बन चुके। हीना बिल्कुल ठीक है और उसके एक नहीं दो बच्चे होंगे। ये बताइए, बेटे हैं या बेटियां? आरोप साहब जरा जल्दी बताइए, जो दरअसल हमारी इनसे शर्त लगी है तो पता चले कौन जीता है कौन हारा है। बेटियां। मिर्जा साहब, मैं जीत गई। बेगम साहिबा, सच तो यह है कि हमें हारने का कोई गम नहीं। पहले घर में एक ही ना थी, अब तीन तीन होंगी। माशाल्लाह। वैसे एक और बात है जो मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ। बताइए डॉक्टर साहब, बेझिझक बताइए आप। दोनों बच्चों में से एक की हालत नाजुक है। उसे कुछ होगा तो नहीं? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। जिंदगी भी कैसे कैसे इंतहा लेती है। एक खुशी देती है तो दूसरी छीन लेती है। हिना बिटिया, कैसी हो बेटी? अरे बेटी, अब तुम्हारे आंसू बहाने के दिन गए। अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्श दी।
और तुम्हारी गोद में दो नन्ही नन्ही जाने डाल दी। घर पहुंच के इसकी जान का सदका उतारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। आदाब। आपकी कोशिशों की वजह से मेरी जान बच गई, आपका शुक्रिया। शुक्र खुदा का अदा करें, ये सब उसी के हुक्म से मुमकिन हो पाया। खुशी हुई कि आपको खुदा पर इतना यकीन है। ये यकीन तो हर किसी को होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तरस गए हैं डॉक्टर साहब। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी दोनों बच्चों को लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पिटिया बस, डॉक्टर साहब गए और आए, तुम्हारी बच्चियों को ले आएंगे। बेटियां बिल्कुल मेरी तरह दिखती होंगी, है ना अम्मी? हम में से किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन जरूर तुम्हारी ही तरह दिखती होंगी। डॉक्टर साहब उन्हें लाते ही होंगे, तुम्हारे साथ साथ हम भी देख लेंगे। इतनी देर हो गई, डॉक्टर उन्हें लेकर आए क्यों नहीं? मैं अभी देख कर आता हूँ, अभी आता हूँ। मुझसे और इंतजार नहीं होता अम्मी। आपको पता कैसे नहीं? कैसे नहीं पता है आपको? सर मैं दो मिनट के लिए ही दूसरे वार्ड में गई थी। God damn it, I don't want any excuses on this one. आपकी इस लापरवाही से एक बच्ची गायब हो गई है। Can you understand the meaning of this? अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ? अरे भाई हमारी बच्चियां कहाँ हैं? हीना उनका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है। ठीक है मैं खुद देख लेता हूँ। मिर्जा साहब क्या बात है? मिर्जा साहब आई एम सॉरी। सॉरी? आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? और आप खामोश क्यों हैं? क्या बात है? दरअसल आपकी दो नवासियां थी। हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरी दो नवासियां थी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अपने दिल को संभालिए मिर्जा साहब। बोलिए बोलिए बात क्या है डॉक्टर साहब? दोनों में से मिर्जा साहब दोनों में से एक गायब हो गई है।